कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। आपके बच्चों को संतों के पास नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि संतों के पास जाएंगे तो संत कहेगा बेटा गांजा ना पियो, बेटा शराब ना पियो, बेटा गुटखा तंबाकू ना खाओ। संत गुटखा तंबाकू छुड़ाएंगे तो इन गुटखा बेचने वालों की तो दुकान बंद हो जाएगी। तो वो संतों से फिर क्या करते हैं, युवाओं को इनके प्रति नफरत भरते हैं कि ताकि ये संतों के पास ना जाएं। और ये देखो, आप मानते हैं कि नहीं, शराब बहुत बड़ा बाजार है भारत में, शराब का बहुत बड़ा, गुटके तंबाकू का बहुत बड़ा बाजार है, ये बात सही है। अब ये बताओ कि ये शराब का और गुटके तंबाकू का ये जो बाजार भारत में लगता है, इस बाजार के अधिकाधिक ग्राहक कौन है, बोलो इनका ग्राहक कौन है? इनके अधिक शराब के अधिक ग्राहक जवान नौजवान जो पीढ़ी तैयार हो रही है, ये इनके वर्तमान के ग्राहक हैं। अब बूढ़े तो पी पी के मर जाएंगे, पर ये बच्चे तैयार हो रहे हैं। अब सोचिए कि बॉलीवुड चाहता है कि सारे लोग शराब पिए, इसलिए तो वो शराब का पिक्चरों में प्रचार करते हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये गाने बने ये किस आधार पर बने? ये शराब को प्रमोट करना नहीं तो क्या है बताओ? कैसी भाषा समझते हो आप लोग? बॉलीवुड शराब को प्रमोट करती है या नहीं, बोलो हाँ। और संत लोग शराब का विरोध करते हैं या नहीं? बॉलीवुड शराब को प्रमोट करती है और संत लोग शराब का विरोध करते हैं, इसलिए बॉलीवुड वालों को डर लगा कि कहीं ये संत लोग हमारी दुकान बंद ना कर दें। तो उन्होंने संतों को ही बदनाम करने के लिए जहर घोलना स्टार्ट किया और वो 80% कामयाब भी हो गए।